हाल ही में वाराणसी के एक जिला न्यायालय में जो ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में उसके अंदर पाए जाने वाले जो विवादित ढांचे हैं उसकी कार्बन डेटिंग के लिए आवेदन किया गया था। तो चलिए जानते हैं कि ये कार्बन डेटिंग है क्या। तो कार्बन डेटिंग के पीछे साइंस क्या है जिसकी मदद से कार्बन डेटिंग किया जाता है, तो चलिए जानते हैं। की आयु का पता करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग ही की जाने वाली जो विधि है उसको कार्बन डेटिंग बोला जाता है। सजीवों में विभिन्न रूपों में कार्बन मौजूद होता है। C14 एक कार्बन का आइसोटोप है, यानी कि समस्थानिक है, जिसका मॉलिकुलर मास है 14। वायुमंडल में जो कार्बन है उसमें जो कार्बन का आइसोटोप है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले आइसोटोप है कार्बन 12। वायुमंडल में कार्बन 14 की मात्रा जो है, बहुत ही कम मात्रा में वो मौजूद है। उदाहरण के लिए बता दें कि चट्टानें जैसे कि एक निर्जीव है, उसमें कोई जान नहीं है, ऐसी चीज़ों का आयु निर्धारित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कार्बन डेटिंग से होता ही नहीं है। और 40,000-50,000 वर्ष पुरानी जो चीज़ें हैं उसको भी कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसका आयु का पता लगाना मुमकिन नहीं है। कार्बन डेटिंग को रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग और एब्सोल्यूट डेटिंग भी कहा जाता है। हमारे वायुमंडल में कार्बन की तीन आइसोटोप मौजूद हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन 14 की जरूरत होती है, जिसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की जो बीच का अनुपात है, रेशियो है, उसको लिया जाता है। कार्बन डेटिंग को रेडियोएक्टिव पदार्थों की आयु के निर्धारण के लिए ये यूज़ किया जाता है। कार्बन 14 जो है वो रेडियोएक्टिव कार्बन है। तो ये क्यों कार्बन डेटिंग किया जाता है सजीवों, मतलब उसकी आयु निर्धारण के लिए, चलिए जानते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कार्बन यूज होता है वो कार्बन 12 और कार्बन 14 होता है, इसलिए सारे जीव के अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 होता है। सपोज जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सारे लिप्स के अंदर आता है, उसके बाद सारे फ्रूट्स के अंदर भी आता है। हम जब किसी फ्रूट्स को खाते हैं तो हमारे अंदर भी कार्बन 12 और कार्बन 14 आ जाती है। तो जब एक जीव की मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 12 तो रहता है, पर कार्बन 14 जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि कार्बन 14 एक रेडियोएक्टिव कार्बन है। इसलिए हम कार्बन 12 और कार्बन 14 की जो रेशियो है उसको देख के पता लगा सकते हैं कि ये जो जीवाश्म है वो किस टाइम का है। इस तरह से पता लगाया जाता है। जीव की जो जीवित अवस्था में कार्बन 12 और कार्बन 14 का जो रेशियो होता है वो स्टेबल रहता है, जैसे कि 1012:1 रहता है। किसी भी चट्टानों पर जब हम उसको आयु कैसे पता लगा सकते हैं, ऐसे हो सकता है जैसे कि उस चट्टानों में किसी भी कार्बनिक चीज लगी हो, जैसे कि कोई मृत जीव या कोई पौधा, कोई उसकी मतलब कार्बन रिलेटेड कुछ भी चीज़ उस पर लगी हो, तो उसको लेके हम कार्बन डेटिंग करके उस चट्टानों का आयु हम निकाल सकते हैं। नहीं तो चट्टानों की जो है वो आयु निकालना कार्बन डेटिंग से मुश्किल है, उसमें होता ही नहीं है। ओके, इस तरह से कार्बन डेटिंग प्रोसेस से हम किसी भी पुरानी से पुरानी चीज़ों का आयु निर्धारण कर सकते हैं। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट